वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल पार्ट टू। तो पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल पार्ट वन में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टर्म एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले क्लास में कवर किया था, लेकिन इस क्लास में पॉलिनोमियल पार्ट टू में हम कवर करने वाले हैं बेसिक तौर पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को आज कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वह है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है जिस कोई भी वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आता है दैट्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। मान लेते हैं पॉलिनोमियल से पी एक्स इक्वल टू 5x³, ठीक है, -2x² +3x -2। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमें इसका वैल्यू निकालना है p1 के लिए, यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा? जो रिजल्ट आएगा वही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो 1 रखते हैं, ओके, चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट जो आया 4। क्या आया? 4। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। 4 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया? 4 आया। क्लियर है पॉइंट? तो इसी तरह x का वैल्यू 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ और आ सकता है, x इक्वल टू 3 रखेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ और आ सकता है, 0 रखेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट x के वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि x क्या है? वेरिएबल है। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हम यही सीखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ। जो पहला क्वेश्चन ऑफ इच पॉलिनोमियल्स, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। ठीक है, क्यू वाई इक्वल टू 3y³ -4y √11। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, हमें y इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? y इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो y की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पुट कर देते हैं। अगर y की जगह हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट क्या आएगा वही हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 16 √11। क्या रिजल्ट आया? 16 √11, ये रिजल्ट आया हमारे पास। ठीक है, ओके, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड, pt इक्वल टू 4t⁴ +5t³ -t² +6। ठीक है, ये क्वेश्चन से हमें इसके लिए फाइंड करना है कि t का वैल्यू अगर a रखेंगे तो क्या होगा। सिंपल है, अगर t का वैल्यू a रखेंगे तो सारा फॉर्म a के फॉर्म में आ जाएगा। जो सारा पॉलिनोमियल है t की फॉर्म की जगह a के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं a रख देंगे तो क्या होगा? अगर a रख देते हैं बाय द वे, तो होगा ये कि 4
टी की जगह ए तो 4a4, 5tq है तो aq, टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 6, पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट ये आ जाएगा। तो अगर टी की जगह ए रखेंगे तो वैल्यू ये आ गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं दूसरी पॉइंट से जिसको हम समझ रहे हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए एक बात सबसे पहले समझो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल्स में रखने पर रिजल्ट जीरो आ जाए। वैल्यू रखेंगे, दैट्स द वैल्यू रख रहे हैं, जैसे ए रखें, यहां टू रखें, रखे ना, तो कौन ऐसा वैल्यू रखे जिसको रखने पे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाए इसका मतलब वो क्या है, जीरोज है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं बात? तो चलिए देखिए एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है एक्स वाई जेड समथिंग, लेकिन जैसे ही हम यहां पे अल्फा डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। ओके, अगर रिजल्ट जीरो आ गया तो अल्फा इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो वही जीरोज होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और वहां से समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। माइंड में ये चीज सेटअप कर लो कि रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, तभी जीरोज निकल जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए आते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x+4, ठीक है, 2x+4 एक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पी एच इज इक्वल टू 2x+4, अगर हमें इसका जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, यानी कि एक्स का कोई वैल्यू जिसको रखने पर रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम पहले ही से मान लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है, जीरो। ओके, क्या है, जीरो। अगर रिजल्ट जीरो आ गया 2x+4, यही है ना, पीएच इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस। एक्स का वैल्यू क्या होगा, -4/2 इक्वल टू -2। तो एक्स का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। यानी -2 क्या है, जीरोज ऑफ 2x+4, -2 इज जीरोज ऑफ 2x+4। क्लियर है पॉइंट? चलिए चेकआउट भी कर लेते हैं, अगर p -2 रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, -2+4, क्लियर है, -4+4 तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेथड टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम ये समझ पाएंगे कि इसका जीरोज है या नहीं है। तो है या नहीं है इसका जानने का एक सिंपल सा तरीका है, जो वैल्यू दिया है वो इक्वेशंस में पुट करेंगे, रिजल्ट जीरो आ गया या जीरोज है, और जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है, सिंपल है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से कि वेरीफाई दैट -2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x²-x-6, ठीक है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं, बड़ा इजी है। तो इक्वेशन पहले लिखते हैं x²-x-6, ओके, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि -2 और 3 जीरोज है कि नहीं है, है ना, यही देखना है कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो जीरोज है कि नहीं है, ये देखने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे, -2 यहां पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, क्लियर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, जीरो, यानी -2 जो है वो जीरोज है, क्योंकि माइनस पुट किए तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। उसी तरह हम 3 पुट करेंगे और देख चेकआउट करते हैं, ठीक है,
ये भी क्या आ गया रिजल्ट जीरो, यानी थ्री भी जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल है। तो माइनस टू और थ्री दोनों इस पॉलीनोमियल का जीरोज है, बोल देते हैं कि है, सिंपल है, है ठीक। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड थ्री आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ओके, कोई डाउट है? चलिए और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। इफ एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू इज ए जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल हमारे पास दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस टी एस माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास दो चीजें दी हुई है, ये दिया है एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू जीरोज है, किसका जीरोज है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 का। तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू इसका जीरोज है, ऑलरेडी बोल दिया जीरोज है। अगर जीरोज है यानी रिजल्ट क्या है, जीरो, ये बता दिया है कि अगर एक्स का वैल्यू थ्री बाई टू रखोगे तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है कि के जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर पीएच यानी पॉलीनोमियल ये है, ठीक है, अब एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू रख रहे हैं तो हमें रिजल्ट चेक नहीं करना है कि क्या आएगा, क्योंकि हमें रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि जीरोज तो दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, ओके, तो देखते हैं क्या आता है। नाइन बाई टू माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री बाई टू के इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये निगेटिव में तो इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, जो पॉजिटिव है इधर जाके निगेटिव में हो जाएगा। तो थ्री बाई टू के इक्वल टू ट्वेल्व माइनस नाइन बाई टू, अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो इस तरह का आया है, ठीक है, यहां देख सकते हैं। तो थ्री के इक्वल टू क्या आया, फिफ्टीन, क्लियर, थ्री के इक्वल टू फिफ्टीन, के इक्वल टू फाइव। हमें के का वैल्यू फाइंड करना था और के का वैल्यू हमें निकल के आ गया, क्या आया, के का वैल्यू फाइव। समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट, के का वैल्यू फाइव आ गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू जीरो, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल टू एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये पॉलीनोमियल से जिसका जीरोज है एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरोज है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या a और b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये हमें फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है पॉलीनोमियल 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी, ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरोज भी दिया है। इसका जीरोज क्या है, एस इक्वल टू थ्री और एस इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इसके जीरोज है, यानी ये वैल्यू रखने पर इसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले थ्री रख के, अगर थ्री रखेंगे तो रिजल्ट तो जीरो आना तय है, क्योंकि बोल रखा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्यों जीरो होगा, क्योंकि जीरोज है, तो रिजल्ट जीरो आ गया, क्लियर। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इस तरह से, थ्री ए प्लस बी माइनस, अगर माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, एटीन इक्वल टू जीरो, यानी एक इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू एटीन, इक्वेशन वन, ठीक है। इसी तरह एक्स का वैल्यू हम जीरो रख के देखते हैं,
ठीक है, एस का वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। तो जीरो रख के अगर देखेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, जीरो रखेंगे तो रिजल्ट तो जीरो तय है क्योंकि जीरोज है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो एक बात बताओ, जीरो माइनस जीरो प्लस बी, यानी बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ओके, बी का वैल्यू ऑलरेडी हमें जीरो मिल गया और ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि बी का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन वन है क्या, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू 18, यही है इक्वेशन वन, और इसमें बी का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ओके, थ्री ए इक्वल टू क्या हुआ, 18, और ए इक्वल टू 6, तो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 6 और बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 0। क्लियर, ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था जो यहां से आ गया। समझ में आ रही बातें, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो भी जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स होते हैं वो पॉलीनोमियल के डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर लीनियर पॉलीनोमियल है यानी डिग्री वन है तो उसमें एक ही जीरोज हो सकता है, उस इक्वेशन का सिर्फ एक जीरोज आएगा, यानी एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसको रखने पर रिजल्ट जीरो आएगा। उसी तरह से अगर क्वाड्रिक पॉलीनोमियल है यानी डिग्री टू है तो उसमें दो जीरोज आएंगे क्योंकि डिग्री टू है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि एक भी जीरोज नहीं आता क्वाड्रिक इक्वेशंस में, तो ये इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। इसको अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो क्लास 10th के पॉलीनोमियल पार्ट 2 को आप देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये डिग्री पर डिपेंडेबल है। वहां पर आपको ग्राफिकल मेथड से समझाया गया, ज्योमेट्रिकल मेथड से समझाया गया है कि एच के कितने पॉइंट पे अगर ग्राफ कट करेगा उतना ही जीरोज आता है, और किस कंडीशन में जीरोज आएगा और किस कंडीशन में जीरोज नहीं आएगा। ओके, तो यानी टोटली समरी ये है, बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा डिग्री होगा, जिस इक्वेशन में जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज होगा। क्लियर है, अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल है डिग्री 3 तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बाइक्वाड्रिक पॉलीनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, नहीं आ रही हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है। अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगे वो भी लिखिए, जो चीज आपको अच्छी लगे वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।